नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेनिंग टू में। दोस्तों मेरा नाम है बिस्वा और आज जो वीडियो है दोस्तों बेसिकली ये एक सीवर्स गार्डन रेस्टोरेंट जो कि गोवा का नॉर्थ गोवा में है दोस्तों, जो कि कैंडोलिम एरिया में है, उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। उस रेस्टोरेंट में हम लोग अपना लंच किए थे दोस्तों। मैं आपको सारे वीडियोज़ भी शेयर करूँगा और उसका प्राइस के साथ सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगा। ये है वो रेस्टोरेंट और उसमें आप कुछ देख सकते हैं, कुछ हैंगिंग हैंगिंग बेसिकली हैंगिंग रेस्टोरेंट है ये। और आपको साइड में कुछ एक्वेरियम टाइप का कुछ चीज़ें मिलते हैं और ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत डेकोरेशन किया हुआ है दोस्तों रेस्टोरेंट में। और जो लंच बफेट हम लोग वहाँ पर लिए थे दोस्तों, ये बेसिकली नॉन वेजिटेरियन नॉर्थ लंच बफेट था। अगर आप गोवा में अगर लंच बुफे ढूंढने जाते हैं तो आपको बहुत महंगा लग जाएगा। चावल, दाल, राइस, पापड़, रोटी या फिर बहुत सारे मिठाई, सलाद और यहाँ पे चिकन, बटर चिकन, तो सारे आइटम हमें मिला था कुछ अराउंड 250-260 रुपीस में, जो कि नॉर्मली गोवा में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, टेस्ट के मामले में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। और ये दोस्तों उनका जो कि बार सेक्शन है और यहाँ पे आप ड्रिंक्स का मजा ले सकते हैं अगर आप इवनिंग टाइम में यहाँ पे आते हैं तो। ये और ये मॉर्निंग टाइम था दोस्तों हम लोग जो गए थे। उसके ट्रिप एडवाइजर में भी अच्छा रेटिंग है, 4.5 स्टार रेटिंग है दोस्तों इनका। आप गूगल में भी इसको सर्च कर सकते हैं लोकेशन की वजह से और आप उसका रिव्यू भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। नॉर्मली अगर आप नॉर्थ गोवा में स्टे करते हैं तो इस रेस्टोरेंट पर आप जा सकते हैं दोस्तों खाने के लिए। आपको बजट के अंदर आएगा और अच्छा खाना भी आपको मिल जाएगा अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं तो। बेसिकली नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है खाने में गोवा में, क्योंकि गोवा बेसिकली साउथ वेस्टर्न साउथ के जोन में आता है और उनका खाना तो डिफरेंट रहता है नॉर्थ इंडियन में। बेसिकली नॉर्थ इंडियन लोग नॉर्थ इंडियन ढाबा या पर पंजाबी ढाबा प्रेफर करते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा चॉइस है दोस्तों अगर आप नॉर्थ इंडियन प्रेफर कर रहे हैं तो। आपके बजट के हिसाब से बजट में ही आएगा दोस्तों ये खाना। और मतलब वेजिटेरियन मील है, नॉन वेजिटेरियन मील है। और ये दोस्तों ये इनका पार्किंग स्पेस है, बेसिकली यही था रेस्टोरेंट। और अगर आप बुक करना चाहते हैं तो बुक भी कर सकते हैं और जाके डायरेक्टली आप खा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एड्रेस भी दिखा दिया उसमें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको अगर कोई सारा सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने का भी मत भूलें ताकि आप हमारे चैनल में नए नए टेक्नोलॉजी रिलेटेड ट्रेंडिंग वीडियोज़ हर दिन देख सकें। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।